वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू तीन मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं तरफ, सरस्वती माँ बाएं तरफ और लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वो स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उनका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया जिस स्थान पर सिर गिरा। और आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 यानी कि 14.5 किलोमीटर है। मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में चलिए बताते हैं आपको। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाढ़ चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आदम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गयी। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने यानी कि माँ वैष्णो ने माँ काली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो इस कथा के अनुसार वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान और गरीब थे, लेकिन वो सोचा करते थे कि एक दिन वो माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वो खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वो काफी नहीं थी क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वो सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, ये सोच कर कि वो मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वो सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी से ही आस लगी हुई थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देख वो जहाँ जगह दिखी वहाँ बैठ गए मेहमान। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था। वो भगवान की कृपा से आई थी। वो सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नजर नहीं आई। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने यानी कि उस छोटी सी बच्ची ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वो गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के श्रद्धालु जाने लगे। तो कैसी लगी आपको आज की इतनी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी? ये हमारी माँ वैष्णो देवी की है। क्या आपने कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जय माता दी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नवरात्रे भी आने वाले हैं, हम वार्म वेलकम करने वाले हैं। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को हमारी। और मिलते हैं कल। बाय बाय एंड टेक केयर। बोलो जय माता दी।